नमस्कार अर्गस रा बिग ब्रेकिंग को स्वागत करछे म चिन्मय रोगी नेउ नाही 108 एम्बुलेंस माने कोरोना को डरी वर्तमान रो जहां स्थिति रहिछि कोविड 19 सबुठी काया विस्तार करथिबा बेले कोरोना को नै जो मानन को कोरोना योद्धा को आ जाउछि बा एम्बुलेंस कर्मचारी रोगी पाख को जाय नाहती एवं गोटे कुनी पुओ बा छोटो छुआटी तार बापा को हॉस्पिटल नेबा पई बारंबार गुहारी करूछि जे मो बापा को हॉस्पिटल लेकि जाओ किंतु सीधा सीधा मना करूछंती एम्बुलेंस रो कर्मचारी आमे नै पारिबो नाही मु अधिक डिस्कशन करि पारबे नाही सीधा विजुअल आपण देखंतु जे कोन रहिछे ए वायरल वीडियो टी प्रथमे नजर पकांतु तापरे ए संपर्क रे आलोचना करबा देखंतु आज्ञा 108 एम्बुलेंस गोटे छोट पिलाडा ता बापा पई कांदुछि मात्र तांगर पेशेंट नो नांदी कोन जाननी कि नाही मु जाननी किछ नियम होइछ तमे काई नो नो सीएस ओछंदी तुमको जब कौन आम रेस्पन्सिबिलिटी तुम अच्छ कम तुम 108 रे रहिया कथा ना तुम आउ कौन करता तुम 108 रे रहिया कथा ना आउ कौन करिया कथा तुम्हें 108 रे अच्छा ना डिस्कशन एम्बुलेंस थाई भी सीधासलख चित्र देखुले जे आपण मोबाइल स्क्रीन में चली चित्र किभली भाव में छोट पिलाटी गुहारी करुच्चे और बारंबार कहे जो मो बापा को नापी आप बाध्य किंतु पूरा सीधा सीधा मना करुंट एम्बुलांस चालक जीपारे ना तेज ए संपर्क में अधिक आलोचना सूचनापी सीधासलख जा आम प्रतिनिधि जोड़ी होती पीतांबर नाग जोड़ी होती पीतांबर जानवाक चाहिए जो भाव में गोटे घटना सामना को आसूँ वीडियो वायरल होस्तविक भाव में सेठी एम्बुलांस आसी कौनप निश्चित भाव कहीपर जो भाव में जड़े जितेबले कि कहार भी स्वास्थ्य अवस्था खराब रही से निश्चित भाव से ही अंचल लोक मैंने आंबुलांस डाकि तो यह स्थित जितेबले आंबुलांस आसला कितु आंबुलांस कर्मचारी मान कथा जदि आम कहने जितेबले आंबुलांस रोगी मान नबार कथा कहीं कोरोन जी जन गंजाम मृत्युबरण करूना अधिक जन मृत्युबरण करोना हो नोगी मैंने तो यह स्थित जितेबले पेसेंट कौन कोरोनार लक्षण ना कहते भिडियो भाइराल प्रतिक्रिया आसूसी परवर्त समय जितेबले से काकुति मिनती करुँच गोटे छोट पिला काकुति मिनती करुच्ची साई पड़सा लोक अंचलवासी काकुति मिनती करंबुलांस जाठार कहीं भाव में आंबुलांस कर्मचारी मानक डर लगला भय लगला निश्चित भाव में गोटे बड़ चिंतार विषय पलटुची कहीं गंजाम जिले में यही भाव में बास्तवता संपूर्ण भाव बारंबार यह भाव में घटना सामना को आसूसी किंतु मेडिकल कर्तृपक्ष हूँ जिला स्वास्थ्य विभाग हो किंबा जिला प्रशासन हो ए दिगरे कौनसी प्रकार दृष्टि देना कहीं जितेबले सरकार गोटे पटे पदक्षेप ने बहु आंबुलांस जगे देबु बहु स्वास्थ्यकर्मी जगे देबु किंतु यही चित्र को देखिले निश्चित भाव आपण अनुमान करेंगे जो भाई भाव से छोट पाटी जो भाई भाव में कहूँ आपड़ कहीं कौनपाई ने आप ना बाध्य जेहेतु आप आंबुलांस कर्मचारी आंबुलांस धरिकी आसी पेसेंट आपण अच्छी परवर्त समय जो आम देखा पुणी आउ थे आउ गोटे घटना से पाखे से अंचलवासी लोक मैंने समस्ते रही आंबुलांस को डाकि आंबुलांस ड्राइवर जी की रही गाड़ी से मना करमर कौन गाइडलाइन अच्छी किंतु क्यों गाइडलाइन जितेबले गोटे गोरी जितेबले गोटे रोगीटे गुरुतर अवस्था रही गुरुतर अवस्था रही जितेबले चिकित्सा मिलूनी से अंचल से लोक मैंने भाव में बारंबार अभियान से लोक मानक ये बड़ समस्या घेर में पड़ुंट कितु कौन प्रकार समाधान होना तो ये दिगरे दृष्टि देवार निश्चित भाव आवश्यकता रही पीतांबर जानवा जे एक्चुअली से जो रोगी जे अच्छा जहाँ देह असुस्थ अच्छी कौन होता क्यों रोग से आक्रांत थे
चिन्मय गोटे कथा होची सेई वीडियो टी प्रहलाद नगर सेकंड लाइन न बोली जणा पडिछि किंतु केउ रोग रे आक्रांत थिले कोण होइतिला ताहा तो स्पष्टता आसिनाय। अन्य पटे जेते बेले सेई जणे रोगी असुस्थ अनुभव कले तांकर सेई अंचलवासी माने प्रथमे आंबुलेंस को जणाइथिला आंबुलेंस किछि समय पर आसिकी सेई अंचल रे पहुचिथिला किंतु आंबुलेंस को देखिकी लोक माने कहिले आसंतु आमर पेशेंट अछंति आसिकी नेबे किंतु आंबुलेंस कर्मचारी सेठारे स्थिति देखिकी मना कर देथिले किंतु काहे की मना करथिले ता एपर्यंत स्पष्ट होइनाई। अन्यपटे सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि से जो रोगी जनक अछन्ति सेही रोगी जनकर जे संपर्कीय जनक अछन्ति जने महिलांकर स्वर मध्ये आसुछि सेही भाइराल वीडियो रे जे रोगी को किछि होइनी सेमति किछि कोरोना रे से आक्रांत होइनांति तांकर स्वास्थ्य अवस्था खराब अछि आपण आंबुलेंस रे आंबुलेंस आसीछि आपण नै जानतु रोगीटी चिकित्सा पाइबो किंतु तांकर कथा को मध्ये आंबुलेंस कर्मचारी माने कर्णपात करिनांति कि स्वास्थ्य विभाग एपर्यंत कोनोसी प्रकार निष्पत्ति नै नांति। ता परवर्ती कथा जदि आमे कहिबा काहेकि ना हुए तो सही अंचल रे कोरोना आक्रांत व कोरोना आक्रांत को संख्या अधिक थाईपे किंतु जड़े आंबुलेंस जाकि जितेबले रोगी को आणबनी यह सबुठार बड़ कथा हो बड़ समस्या हो 108 आंबुलेंस सरकार कौन पर कहीं विभिन्न क्षेत्र में कह सरकार कहते आम गंजाम जिला को स्वतंत्र पदक्षेप दौ शहश आंबुलेंस पठाई शहश मेडिकल कर्मचारी पठाई किंतु से ही अंचल जो मेडिकल कर्मचारी बा स्वास्थ्य कर्मचारी माने सेठारे सेतेबेले काहेकि नथिले सेही अंचलर स्वास्थ्य कर्मी माने केउठी थिले जहा कि से अंचल रे रोगी जणे एते गुरुतर होचोंदि काहेकि ना पूरा अंचल को स्वास्थ्य कर्मी मान को पठा जाउछि सेही अंचल रे कोनोसी प्रकार नथिले जहा द्वारा कि रोगीटी आंबुलेंस आसिकी मध्य फेरिकी जाउछि आपण चित्र रे पूरा स्पष्ट देखि पारुथिबे जे लोक मानकर मध्य भिड जमिछि लोक माने मध्य समस्तक तरफरु कहउछन्ति जे एही आंबुलेंस आसिछि आपण नियंतु रोगीटे को किंतु आंबुलेंस कर्मचारी सीधा सड़क मना करमती आपड़ भिडियो कले कि हेबनी कहीं जेहेतु आम गवर्नमेंट गाइडलाइन अच्छी ए कि प्रकार गाइडलाइन गवर्नमेंट रो सरकार नीति नियम अनुसार जे रोग को घृणा करें रोगी को घृणा करना सांगे सांगे से केमी सुविधा पहुँचा जा सांगे सांगे से केमी स्वास्थ्य अवस्था त्वरान्वित करने केमी पदक्षेप निप्रति दृष्टि दिजिव एमती कि किसी दिन पूर्वर मध्य भाव राज्य स्वास्थ्य विभाग तरफ सूचना आसीला जे ओपीडी केमी खोल एमकेसीजी स्वास्थ्य अवस्था को स्थिर होती बाहर डॉक्टर माने नियोजित हेबे स्वतंत्र पदक्षेप किंतु ए हूँ वास्तवता यही भिजुआल कहीं पूर्व आपड़ जानती ब्रह्मपुर श्रीरामनगर अंचल यही भाव में गोटे घटना आसीला आंबुलेंस गला कि आंबुलेंस स्वास्थ्यकर्मी जो रोगी गुड़िक अच्छा से रोगी को स्वास्थ्यकर्मी मैंने आनी नथिले आंबुलेंस कर्मचारी मैंने आनी नथिले सेठारु फेरिकी पलि आसी लोक मैंने देखी कौन प्रकार साय करूँ लोक मैंने समस्ते गुहारी करुँचे लोक मैंने समस्ते काकुति मिनती करोट शिशुटीए काकुति मिनती करुच्चार लोक समस्ते नेहुरा होती अंचलवासी अनुरोध रोचे कि आंबुलांस कर्मचारी मैंने सीधा सीधा मना करदे तो यही 108 आंबुलांस कौन पर कहीं गंजाम जिला जिले ही भाव में तीन चारोटी घटना बारंबार होथापि सरकार चेतुना सरकार गोटे पटे कहते गंजाम जिला को स्वतंत्र पदक्षेप दौ कि पदक्षेप केवता के समस्या समाधान करुच्ची चित्र मान ही बयान करुच्ची सब क्षेत्र देखा केवल यही भिजुआल ना एमती गंजाम जिलार बारंबार घटना सामना को आसूरी प्रत्येक क्षेत्र में मोबाइल को मोबाइल भाइराल होती क्यों लोक स्वास्थ्य अवस्था नपाइक मृत्युवरण करोटी क्यों लोक ठीक रे सुविधा नपाइक औषध नपाइक मृत्युवरण करमती कि मेडिकल को आने से स्वास्थ्य अवस्था सठिक रे पाई ना आंबुलेंस विलंबरे पहुंचुची तो निश्चित भाव सरकार 108 आंबुलेंस योजना प्रति गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होती कर्मचारी माने जो माने काम करे तो जदिओ कोरोना से संक्रमित हो नई तो आंबुलेंस निश्चित भाव कहीपर वर्तमान सेफ्टी रखा जातु कर्मचारी जनक सीधा सड़क कहीं मना करोसी प्रकार सचेतनता करना जे एमती घटना होपे कौन हो सेमती किसी भी ना से अंचल लोक मैंने कहते लोकटी जेहेतु स्वास्थ्य अवस्था टी स्थिर ना तेणु आम आंबुलेंस नवा को चाहूँ आपण को डाकि आंबुलेंस कितु कौन प्रकार आंबुलेंस सेठे सहयोग करूना आंबुलेंस कर्मचारी मैंने सीधा सड़क कहते गवर्नमेंट गाइडलाइन अच्छी गाइडलाइन अनुसार आम कौन प्रकार काम करना बर्तमान कोरोना समय जदिओ कोरोना समय गवर्नमेंट गाइडलाइन रही तेज से ही लोक को
कोरोना आक्रांत होइछि कि नाही आम्बुलेन्स कर्मचारी केमिति जानिले। अन्यपटे रोगी को जेतेबेले जाउछंती आम्बुलेन्स आणिबा पई किंतु सेठारे कोन पई रिटर्न होइकि आसुछंती आम्बुलेन्स रे लोक रोगी आसु नाहंती बा आणु नाहंती एमती घटना बारंबार होउछि काहेकि ना विशेष करिकि ब्रह्मपुर रे मध्य तीनटु रु चारटी घटना हेलाणी जेमते कि श्रीराम नगर रे गोटे दुईटी घटना हेलाणी पुणि आउथरे होउछि प्रहलाद नगर र सेमती ग्रामांचल कथा कहवा बा छत्रपुर गत काली गोटे यही भाव में घटना सामना को आसी स्त्री टीए मरीगला चिकित्सा न पाई जहाद्वारा कि तीन शिशुकर भाव निराश हो जाती कोमलवती शिशु मान अटंती तो यही स्थित को जदि देखा बर्तमान यही चित्र से दृश्य बयान करुच्चे सरकार कोविड परिचालना सरकार स्वास्थ्य योजना 108 आंबुलांस कापाई पीताम्बर तेज गोटे कथा कहुची जदिओ एभली घटना सामना को बारंबार आसूची गोटे घटना नुह पूर्व घटना गंजाम घटी सारी कहीं स्वास्थ्य विभाग या प्रति दृष्टि दौना निश्चित भाव चिन्मय गोटे कथा कहीपर देखु जितेबले राज्य सरकार गंजाम जिले में जेहेतु कोरोना आक्रांत संख्या अधिक मात्रा व्यापिला से राज्य सरकार गोटे पर गोटे पदक्षेप नौकर कि प्रथम ही आम कहीपर राज्य सरकार कोविड परिचालन विफलता सृष्टि कहीं जितेबले कोविड केयार सेन्टर करठार अव्यवस्था कथा कह बर्तमान ब्रह्मपुर एमकेसीजी कथा कह ब्रह्मपुर एमकेसीजी एमती किपर लक्ष लक्ष लोक मैंने चिकित्सित होती किंतु वर्तमान क्षेत्र में देखा स्वास्थ्य अवस्था संपूर्ण भाव गंजाम जिले में पूरा भूसुड़ी पड़ी कहले अत्युक्ति हे ना कौन सी प्रकार स्वास्थ्य अवस्था को गुरुतर सहित कौन सी स्वास्थ्यकर्मी मैंने जहाद्वारा कि अवस्था देखा जाए हे तो कोरोना समस्त भय होपे समस्त प्रति गोटे संवेदनशील कोरोना जनित घटना मान होपे कि जेहेतु सामानक सेफ्टी राज्य सरकार व्यवस्था करमती निरापत्ता रही कम करवस्था करें कहते आम जिला प्रशासन बड़ बड़ अधिकारी कहते एमती जिलापा आरंभ करवा ब्रह्मपुर महानगर निगम ठू आरंभ करवा समस्त प्रतिक्रिया आसुच्चे सबकि अपडेट रही सबकि स्वास्थ्य सेवा पहुंचा जा पार सबुठी स्वास्थ्य सेवार उपयुक्त समस्या समाधान हो पार घटना घटाती दुखद घटना सामना को आसे दायी करेंगे पाखो वर्तमान किछ समय अटकाइबाकू चाहिबे वर्तमान मो सहयोगी टुना मंडल आम सहित फोन लाइन रे जोडी छेंते टुना जानिबाकू चाहिबा ए घटना वास्तविक कोन रहितिला आंबुलेंस तले काही के आसीथिला एवं घटना जगह रे पहुंचिला परे बा रोगी को घर सामना रे पहुंचिला परे मना करथिला कोन हेइथिला तांकर असुस्थ जो देह खराब हेछि वास्तविक भाबरे कोन हेइथिला तांकर तो आपण सीधा सड़क दृश्य देखुंज कि भाव में छोट पाटी नेहरा हो बापा हस्पिटाल को नेपाई कि आंबुलांस कर्मचारी ने प्रश्न आसूँ जदि नबार नाला आंबुलांस से आसी कहीं जदि आसला वास्तविक घटना न जाणी रोगी कौन हो न जाणी कहीं गाइडलाइन रहा कौन कहीं अधिक डिस्कसन करनी कौन कहीं ना ये हूँ सब बड़ प्रश्न आठकार जो माने रही एनएमए कर्मचारी कथा कहतु आशाकर्मी कथा कहतु अंगनवाड़ी कर्मचारी कथा कहतु समस्ते कौटी थे घटनास्थल कहीं ना वास्तविक भाव में कौन रही घटना तेज ए संपर्क में आलोचना करवा टुना मंडल पाखु जावा तेज टुना कौन कहे वास्तविक घटना कौन थी कहीं आसी आंबुलांस आ घटनास्थल पहुँचला नापी मना कला टुना सुनी पार्चंती जानबा को चाहिबा जे वास्तविक घटना कोन थिला काहे के एम्बुलेंस आसेथिला देखो तो चिन्ह दुई दिन तले मनोज कुमार प्रहराज बयस 45 वर्ष तांको जर होइतिला से घर रहि चिकित्सा होतले परवर्त जे देह सीरियस आसिला तले तांको पुओ 108 को फोन करके जणैथिले 108 आसी पहुंचला पर दांडरे शरीर पड़ा से पुअर आसिक एम्बुलेंस ड्राइवर को काकती मिनत करुले भी ड्राइवर मना कर नाईर किसी सरकारी नियम अच्छे आम से नियम अनुसार आम नहीं पार्बुन कहीकि फेरिकी पड़ा मैंने अटो साहय पेसेंट को लेकिन जाऊ आधा रास्त आसिक 108 एम्बुलेंस
पुणि से पेशेंट को नहीं मेडिकल गले कि बर्तमान परिवार वर्ग को जहाँ सूचना आसो मनमोहन प्रहराज सुस्थ थे बर्तमान मेडिकल मृत्युवरण कर ଏଭଳି ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ନେଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସୁଧାର ଆସିଛି ନା ନାହିଁ, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ହଁ ଚିନ୍ମୟ, ଏଠି ଦାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରିବା। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଲାଗିଛି କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଇ ବି ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 108 କୁ ଫୋନ କରାଯାଇଥିଲା, 108 ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିକି ପୁଣି ଫେରି ପଳେଇଥିଲା। ପରିବାର ବର୍ଗ ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଟୁନା, ଏଠି କଥା ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ବିଳମ୍ବ ଘଟେଇଛି, ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଳମ୍ବ ଘଟେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇକି ଫେରିକି ପୁଣି ଥରେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଯେତିକି ସମୟ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି ହୁଏତ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥାଇପାରେ। ହଁ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣାପଡୁଛି ମାନବିକତା କୁଆଡେ ଦିନକୁ ଦିନ ହରିଯାଉଛି। ଏଠି ସରକାର କରୁଛି କଣ, ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆକୁ ପଦକ୍ଷେପ ପକାଉଛି ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଭଳି ଦଣ୍ଡ ନିଆଯିବ, ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ କେବେ ନେବେ କି? କିଛି ସମୟ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ପୀତାମ୍ବର, ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ରୋଗୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି ସେ ବିଳମ୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି, କ'ଣ କହିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ? ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଘଟଣା ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ କାକୁତ ମିନତି କରିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ କଥା କହିବା, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରୋନା ହୋଇନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ତାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, କାହା କଥା ଶୁଣିନଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲା, ରୋଗୀକୁ ଆଣିଥିଲା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲା, ଚିକିତ୍ସା ପରେ ପରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମେଡିକାଲର କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ରୋଗୀଟିକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଗୀଟି ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭାବରେ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ତ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ଆସୁଛି, କେବଳ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନଗର କଥା କହିବାନି, ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯଦିଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଏମିତିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଜ୍ୱର ଖାସରେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକତା, କାହିଁକି ନା ସେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ଯାଇକି ରୋଗୀକୁ ନ ଆସିକି ଫେରିକି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର, ସେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁଠାରୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ଆକ୍ସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଶ୍ରୀରାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଦୁଇଥର ଏମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇକି ରିଟର୍ନ ଆସିଛି, ଏହି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍ର ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ତା ବାପାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନେହୁରା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନ ନେଇକି ଯେଉଁ
विलंब करिसेंति सेथिपाई तांको बापांकर मृत्यु होईछि बा तांको जीवन जाईछि एथिपाई दाई के रहइबो स्वास्थ्य विभाग काही कि एई भली जो घटना दिन को दिन सामना को आसुछि ता उपरे काही कि कोनोसी पदक्षेप नउनाती काही कि तदंत करा जाउ नाही काही कि ठीक भाबरे जो माने एथिपाई दाई समान को उपरे कार्यानुष्ठान निया नै वर्तमान समय होईछि आलोचना को एठ रखबा नमस्कार।